बढ़ती महंगाई को कम करने और बढ़े हुए बिजली बिलों को माफ करने की मांग को लेकर कसरावत में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार केशव सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने किया। ज्ञापन के पूर्व कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इसके साथ ही तेल, दाल, शक्कर, चावल तक महंगे होने से आम आदमी का जीवन दुभर हो गया है। वहीं बिजली की दर बढ़ने से बेतहाशा बिजली बिल आ रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से कम करने की मांग की है। इस दौरान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश मीणा, अनिल यादव, दीपेश कर्मा, चिंटू, इंदर सिंह राठौर, सर्वेश पाटीदार, डॉक्टर सिरीश जायसवाल, दिनेश पाटीदार, अबरार पठान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। वो काफी देर से हुआ है, लोग काफी दिनों से परेशान है, और क्या ये जमीनी स्तर पर भी लोग अकेले लड़ाई लड़ते देख रहे हैं? कांग्रेस काफी पीछे दिखाई दी, आज आपका आंदोलन है जरूर, लेकिन क्या लोगों के साथ आज खड़े रहेंगे आप? कांग्रेस ने समय समय पर हमेशा आंदोलन किया, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, आज से 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले भी हमने महंगाई के खिलाफ माननीय राज्यपाल महोदय को अनुभागीय अधिकारी के माध्यम से, लेकिन इस प्रदेश की ऐसी निकम्मी सरकार है जिनने अपने कानों पर तेल डालकर सोई है, उसको गरीबों की कोई चिंता नहीं है, केवल पूंजीपति लोगों को पोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आम लोगों से, आम जनता से और किसानों से, इस प्रदेश का जो मुखिया है, इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जो किसानों को अपना भगवान और उसको पुजारी बताता है स्वयं को, वही आज डीजल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स लगाकर डीजल के भाव में बढ़ोतरी के कारण किसान परेशान है। आज आम जनता डीजल के भाव बढ़ने से परेशान है। आपने देखा होगा यात्री बसों का किराया दुगुना हो गया है, माल जो लेकर आ रहे हैं वो आम जनता को महंगा मिलने का कारण ही डीजल के भाव है। और इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा, आजादी से लगाकर आज तक कांग्रेस हमेशा गरीबों और किसानों के साथ खड़ी रही, और आगे भी हम सब कांग्रेस के लोग गरीबों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, आम जनता के साथ खड़े हैं, और इस प्रदर्शन को और आगे भविष्य में हम विशाल पैमाने पर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आम जनता भी आकर उनके खुद के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस से कंधे से कंधा मिलाकर इन महंगाई के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।